डिग्री शहर के मोतीनगर के बाढ़ पीड़ितों का आक्रोश खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। मोतीनगर में जो लोग बाढ़ ग्रस्त थे उनके बजाय फर्जी बाढ़ ग्रस्तों को लाभ मिलने से लाभ से वंचित बाढ़ ग्रस्तों में गुस्सा है। तहसील प्रशासन के साथ ही लोगों को मोतीनगर के पूर्व पार्षद सैयद अकरम से भी कई तरह की शिकायत है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही है। इस पूरे मामले में एनबीसी न्यूज चैनल ने पूर्व पार्षद सैयद अकरम से बातचीत की है। डिग्रज शहर का मोतीनगर इन दिनों बाढ़ पीड़ित ग्रस्त जो लोग हैं उनकी समस्या से गुजर रहा है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सर्वे से लेकर जो मदद की निधि आई थी, सहायता निधि, उनमें भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है और पूरा जो सर्वे था उस तरह से दोषपूर्ण था। इसको लेकर तहसील प्रशासन को भी उन्होंने शिकायतें दी, ज्ञापन दिया और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि आगे चल के हमारी जो समस्या है इस पर शायद ही कोई संज्ञान लेगा। इस वजह से उन्होंने आने वाले दिनों में तहसील कार्यालय पर अनशन करने का भी मन बना लिया है। इस पूरे मामले को लेकर मोतीनगर के जो पार्षद है सैयद अकरम, उनके पास भी कई तरह की शिकायतें आ रही है और उनको लेकर भी कई तरह की शिकायतें आ रही है। इस पूरे मामले पर हमने उनसे बात करने का प्रयास किया है। आज वो हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है और किस तरह के प्रयास वो कर रहे हैं। बाकायदा महसूल के अधिकारियों ने अपने अधिकृत अहवाल में मोतीनगर के 340 लोगों का सर्वे किया है और सम्माननीय तहसीलदार इन्हें अवगत कराया है कि मेरे अपने मोतीनगर में 340 लोगों का नुकसान इस महापूर से हुआ है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनका कहना है कि अब कोई उम्मीद उनको नजर नहीं आती, बार बार वो चक्कर काट रहे तहसील प्रशासन के। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के सर्वे को लेकर और जो एक राजनीति भी इसमें हो रही है ऐसा भी उनका आरोप है, अपने परिचितों के नाम इसमें डाले गए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सबको पता है ये जो सर्वे किया जाता है ऑफिशियली किया जाता है, महसूल यंत्रणा ये सर्वे करती है। और रही बात सर्वे की, तो बाकायदा सर्वे में जितने भी लोग पूर्वग्रस्त है उनकी यादी तहसील प्रशासन को सम्माननीय अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग जिन्होंने भी ये सर्वे किया है उन्होंने सौंपी है। अब 340 लोगों में से 254 पूर्वग्रस्त लोगों की यादी आ चुकी है जिसे पूर्णता माना गया। इसमें से 86 लोगों की यादी अभी बची हुई जिसे अंशता माना गया। अब मुझे एक बात कहिए, नगर सेवक होने के हैसियत से मैंने उन तमाम लोगों का सर्वे किया हूं जो लोग पूर्वग्रस्त थे। मैंने उन अधिकारियों के साथ रहकर मैंने उन 340 लोगों का सर्वे किया हूं। अब 340 लोगों की यादी तहसील में सबमिट होती है, उसमें से 254 लोगों की यादी आती है जिसे पूर्णता कहा जाता है, जिसे पूर्णता नुकसानग्रस्त माना जाता है, 86 लोगों को अंशताग्रस्त माना जाता है। यह तहसील प्रशासन का जो नियम है उस तहसील प्रशासन के नियम के मैं खुद खिलाफ हूँ। अब रही बात मोतीनगर के कुछ लोगों के राजकारण करने की, तो यकीन मानिए ये लोग सिर्फ पूर्वग्रस्तों के नाम पर, जो 86 लोग बचे हुए हैं उन पूर्वग्रस्त लोगों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजकारण कर रहे हैं। हकीकत में ये लोग अगर उन 86 पूर्वग्रस्त लोगों के लिए न्याय की मांग करते तो उनकी ये मांग कभी ना होती क्या फिर से मोतीनगर में फिर सर्वे किया जाए, क्योंकि 340 लोगों के नाम एक्चुअल तहसील कार्यालय में है। क्या 340 लोगों का नुकसान मोतीनगर में हुआ है? अब मेरी ये मांग है महसूल प्रशासन से कि 340 लोगों का अगर नुकसान हुआ है, उसमें से 254 लोगों को आपने नुकसानग्रस्त माना, उसकी यादी दी, उसे चेक भी वितरित किए गए। अब मेरी ये मांग है तहसील प्रशासन से और मेरी ये लड़ाई है कि मैं उन 86 लोगों के लिए, अन्यायग्रस्त लोगों के लिए, जो लोग बचे हुए हैं 340 लोगों में से, मैं उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं सिर्फ इनकी मांग है कि फिर सर्वे की जाए, जबकि इनकी नियत में मुझे खोट नजर आ रही है। तो ये थे सैयद अकरम, पूर्व पार्षद मोतीनगर के, जिन्होंने बताया कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं और उन पर या फिर तहसील प्रशासन के सर्वे पर जो आरोप लग रहे हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं एक राजनीति का मामला इसमें उनको नजर आ रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो लोग इसमें बचे हैं, जो 80 लोग, वो बता रहे हैं कि जो 80 लोगों का अब जो लाभार्थी जो है उनको अब तक जो मदद नहीं मिली है उनके लिए वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों
में कि तहसील प्रशासन और सैयद अकरम जो पूर्व पार्षद है उनकी मेहनत क्या रंग लाती है और जो शेष लाभार्थी है उनको पुख्ता तरीके से मदद मिल पाती है या नहीं। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान।